डायरिया का प्रकोप, एक की मृत्यु, 5 लोग बीमार, अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत महिला की पहचान उर्मिला मुर्मू कांकसर के मालंदगी ग्राम पंचायत के कुलडीहा इलाके में व्यापक रूप से उत्तेजना। मालूम हो कि इस इलाके के निवासियों को कुछ दिन से उल्टी और शौच शुरू हो गई थी। शनिवार को सबसे पहले उर्मिला मुर्मू को दुर्गापुर महाकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से रविवार को उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी वही मृत्यु हो गई। इसके बाद से इलाके में कई लोग बीमार पड़ गए हैं। सोमवार को 4 और लोगों को दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें भूखी हांसदा नामक महिला की हालत गंभीर है। उन्हें विधाननगर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र में पहुंचकर कई ट्यूबवेलों को सील कर दिया है। आधिकारिक तौर पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई है, लेकिन पानी अभी भी नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए स्थानीय लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। बीमार महिला के पति मुथु हंसदा ने शिकायत की कि मेरी पत्नी को उल्टी और दस्त होने लगी। जब वो बेहोश हो गए तो मैंने पहले उसे दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से मैंने उसे विधाननगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। नगर जहां भी इलाज चल रहा है वहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसलिए हमें मजबूरन ट्यूबवेल के पानी पीना पड़ रहा है। कांकसा पंचायत समिति के अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से बात कर पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। दवा और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। घरों में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल जल्द पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। पायखाना भूमि को रेस रहा नहीं है और मुझे किनान तो विधाननगर भर्ती करें ची विधाननगर थे के बर्दमान टेनिस मना करें चे बर्दमाने दूसरे सिलान चले चे आशीष। अच्छा मैं आरोकी के वो आक्रांत हो रही चे। हाँ उन्हें क्यों चे एक ना मैंने की थे के कि बोलो बोलो मना करते हैं डॉक्टर के जल की हमने डॉक्टर थे के जल पान उल्टा तो बोलते पालची ना ट्यूबवेल থেকে জল নেন। হ্যাঁ ट्यूबवेल থেকে জল নেন। হ্যাঁ আচ্ছা কি নাম আপনার? সুবান মুরমু। দিদি হয়? আগে প্রথমে ভূমি পায়খানা হয়েছিল, প্রথমে দুবার তিনবার করেছে, তারপর দুবার ভূমি করলো, সে থেকে ও আর কি অজ্ঞান হয়ে গেল। খালি জলের মতন পায়খানা চলছে, জলের মতো খালি আর কিছু। কোথায় ভর্তি হয়েছে? তোমার শাশুড়ি পায়খানা হচ্ছে, বমি করছে, মাথা ঘুরছে, ওইটুকুই হচ্ছে আর কিছু না। কবে থেকে হচ্ছিল? কাল থেকে, কালকেই হয়েছে, কালকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আচ্ছা পাড়ায় কজন হয়েছে এরকম? আমাদের পাড়ায় হয়েছে 6 জন, মোট 6 জন থেকে একজন মারা গেলেন, এখন 5 জন আছেন। ওরা কি কোথায় ভর্তি আছে? একজনে আছে ওই নার্সিং রুমে ভর্তি হয়েছে। আচ্ছা ইতিমধ্যে আমরা আজকে সকালে খবরটা পেয়েছি এবং এই সময়টাতে হঠাৎ এই যে বর্ষাকাল পরে হঠাৎ যে বৃষ্টি হলো, সম্ভবত তার যে জলবায়িত রোগ, তো এই ব্যাপারটা আমাকে ডাক্তার লাহা যে যিনি পানাগড় আমাদের যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার তিনি আমাকে জানালেন এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে সেটা বললেন যে একটা পিকিউলিয়ার টাইপের ডায়রিয়া, এটা নর্মাল ডায়রিয়ার থেকে এর ক্যারেক্টারটা আলাদা, তো যে কারণে খুব তাড়াতাড়ি ডিটোরেট করছে। তো আমরা ইতিমধ্যেই আমি পঞ্চায়েতের সাথে কথা বললাম, বিডিও ম্যাডামের সাথে কথা বললাম যে খুব দ্রুত ওখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্বুলেন্স রাখার আমরা চেষ্টা করি যাতে দ্রুত হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং আমাদের মেডিকেল টিম ওখানে অলরেডি চলে গেছে, কাজ করছে। স্থানীয়রা আর একটা অভিযোগ। দুর্গাপুর সিনেমায় দাসকে রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया बाजार इलाके में स्थित अग्रसेन भवन में श्री श्री श्याम दीवाने जामुड़िया की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 300 बच्चों में बांटी गई मिठाई, मोमबत्ती, दिया एवं फुलझड़ी, पटाखे, इसे लेकर सभी बच्चों में खुशी का माहौल बना हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग
सबकी दिवाली हैप्पी दिवाली हो ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 250 से 300 बच्चे हैं, उन्हें दिवाली की मिठाई, पटाखे, कैंडल और भी बहुत सारे मिठाई दिए जा रहे हैं, जिनसे उनकी भी दिवाली हैप्पी दिवाली हो सके। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारी जगह सबकी दिवाली हैप्पी हो और हम जितना कुछ कर सके लोगों के लिए उतना हर साल करें। और हमें अच्छा लगता है ये सब करके कि ऐसा श्याम दिवाने हमारी संस्था जो है जामुरिया की हर साल ऐसा काम करती है कि बस सबकी दिवाली अच्छी हो और खुशी वाली हो। बस इसी उद्देश्य के साथ हर साल हमारा ये प्रोग्राम चलता है और हर पीछे चलता रहेगा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोकोबंद थाना अंतर्गत साइबर क्राइम के तहत कुछ लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया था। उन लोगों ने थाना में शिकायत की थी। इसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से साइबर क्राइम के तहत जांच शुरू की गई थी। इसके बाद पैसा को रिकवरी किया गया। आज यानी मंगलवार की सुबह को थाना प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया था, साइबर क्राइम रिकवरी एवं वस्त्र वितरण। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक गुप्ता, बुधबुद थाना के सर्किल इंस्पेक्टर एवं कोकोबंद थाना प्रभारी मौजूद थे। सभी की उपस्थिति में उन लोगों का पैसा साइबर क्राइम के तहत फ्रॉड की गई थी, उन लोगों को भी बुलाया गया था। अभिषेक गुप्ता की उपस्थिति में उन सभी लोगों का पैसा वापस दिया गया, करीब 4 लाख रुपया। इसके बाद वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। काली पूजा के उपलक्ष्य पर इलाके के गरीब वर्ग के लोगों में थाना की तरफ से नए वस्त्र अभिषेक गुप्ता के हाथों द्वारा दिया गया। अभिषेक गुप्ता ने बताया कि 1-2 महीना पहले कोकोबंद थाना क्षेत्र में कुछ लोगों का साइबर क्राइम के तहत पैसा फ्रॉड की गई थी, उन लोगों का आज पैसा रिकवरी करके लौटाया गया, 4 लाख रुपया करीब। आज के मोटा मोटी 3.5-4 लाख टाका मतो रिकवरी কোকোবান থানার যে হয়েছে সাইবার ফ্রডে ওটা রিকভারি আমরা করেছি এবং রিকভারি হয়ে গেছে, টাকা লোকজনের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। লগভগ 10-12 জন আছে, তাদের অ্যাকাউন্টে অলরেডি টাকা চলে গেছে। আর আমরা আজকে ওই পুরো প্রসেসটা ফর্মালি কমপ্লিট করেছি, ওদেরকে ডেকে ফর্মালি ফর্মালিটি যে লিগাল ফর্মালিটি আছে ওটা কমপ্লিট করে ওদের সই বগেরা যে আছে সেটা নেওয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন রকমের এই টাকাটা গেছে, কারো ওটিপি ফ্রডে গেছে, কারো সঙ্গে সাইবার ক্যাফেতে একটা গ্যাস কানেকশন নিয়ে ফ্রড হয়েছে, কেউ বিশ্বাস করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে 20,000 টাকা, তারপরে দেখা গেছে যে ওটা রিটার্ন হচ্ছে না, এরকম বিভিন্ন রকমের লোকজনের সঙ্গে সাইবার ফ্রড হয়েছে। একটা জিনিস ভালো আছে এখানে যে আমরা অনেক রকম অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ করেছি। গত দুর্গাপূজার সময়ও পুরো মাস আমাদের একটা যখন ফাউন্ডেশন উইক ছিল তখন থেকে পুরো মাস আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস সাইবার অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ করেছি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে গিয়ে, প্রত্যেকটা থানাতে আমরা করেছি এটা। তো অনেক রকম অ্যাওয়ারনেস আমরা জেনারেট করতে পেরেছি, কিন্তু এখনও সেটার অভাব আছে। মানুষ যতটা সচেতন হবে এটা নিয়ে, দুটা জিনিস আছে, একটা তো সচেতনার দরকার আছে, আর একটা যখনই এরকম কেউ বলবে যে আপনার একটা ওটিপি দিয়ে দিন, আপনাকে এত টাকা, অনেক টাকা, ডাবল টাকা এরকম যদি বলে, তো ওই লোভে নেই আওয়ার এটা একটা খুব দরকার আছে, এটা বোঝার দরকার আছে যে কেউ ফোন করে কাউকে টাকা দেবে না, কেউ ফোন করে কোনো কোম্পানি কোনো গিফট টাকা এরকম কেউ দেয় না। এটা যখনই ফোন আসবে তার মানেই হচ্ছে যে এটা একটা ফ্রডের জন্য ফোন এসছে। সেই সময় ভালনারেবল হয়ে বা লোভে বা ভেবে যে হ্যাঁ আমরা ইজি মানি পেয়ে যাব, সেটা ভেবে যদি কেউ টাকা ওটিপি দিয়ে দেয় টাকার জন্য, এটাই আমাদের সচেতনা দরকার আছে যে সেরকম হলেই ভুল হবে, এটা হতেই পারে না কোনো দিন। তো সেটাই আমি বলছি, অনেক রকম সচেতন হয়েছে মানুষ, সেটাও ভালো জিনিস। আমাদের আমি ডেটা রেগুলারলি আমরা চেক করি, তো সাইবার ক্রাইমের ডেটা যে আছে আমাদের সেটা প্রতি মাসই আমরা দেখছি যে কম হচ্ছে এবং রিকভারিও আমরা বাড়াতে পেরেছি। সেটার জন্য আমাদের মাননীয় সিপি সাহেব অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকেও কলকাতা থেকেও অনেক রকম সাহায্য আমরা পাচ্ছি। তো সেটা নিয়ে আমরা প্রিপেয়ার্ড আছি, রেডি আছি এটা ট্যাকল করার জন্য, সঙ্গে মানুষের যত কোঅপারেশন হবে সেটা আমাদেরকে আরও সাহায্য করবে। স্যার, এখানে বস্ত্র বিতরণ হলো দেখা গেল, এই কালী পুজোর আগে একটা বস্ত্র বিতরণ কাদেরকে করা হলো, এটা কতজন কি? এটা আজকে 60 জনকে কালী পূজার বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে কোকোবন থানার তরফ থেকে। কালী পুজোর জন্য আপনারা জানেন যে একটা কালী পুজোর পরেই এখন শীতকাল চলে আসবে, অনেক রকম মানুষের জন্য আমরা সাহায্য করতে সহায়তা করতে চাইছি।
একটা ছোটো সহায়তা ওটাতে এই আছে যে আমরা যদি ওদেরকে বস্ত্র বিতরণ বা আগে আগামীকাল অনেক থানাতে আমরা কম্বল বিতরণ ও প্রোগ্রাম প্ল্যান করেছি, তো সেরকম আমরা করে শীতকালের জন্য এবং কালী পূজার জন্য যতটা মানুষের সঙ্গে থাকতে পারি সেটা আমরা চাইছি। এবং আমার সঙ্গে আছেন এসিপি দুর্গাপুর আর ওসি কোকোবন, সিআই বুদবুদ সব আছেন, সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছেন। এটা খুব ভালোভাবে হয়েছে, যেতে সবার শুভেচ্ছা, সবার সেফটি কালী পূজার সময় এবং আগামীকাল আমরা এনশিওর করতে পারি। থ্যাংক ইউ। দুর্গাপুর সে নিমাই দাসকে রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল এন্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इस बार बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए दामोदर नदी में ड्रेजिंग कार्य शुरू करने के लिए केंद्र एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा। यह केंद्रीय समिति राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए रखेगी। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने आज दुर्गापुर बैराज का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी। बाढ़ की विभीषिका रोकने के लिए दामोदर नदी में ड्रेजिंग शुरू होगी। एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी जो राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए रखेगी। केंद्रीय मंत्री ने आज दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरुई के साथ दुर्गापुर में दामोदर नदी का दौरा किया और डीवीसी अधिकारियों से बात की। हर साल मानसून या भारी बारिश के दौरान डीवीसी के पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच फिर से टकराव बढ़ जाता है। दामोदर नदी में ड्रेजिंग की कमी बाढ़ का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जल संसाधन विकास राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा। इसकी स्थिति अच्छी नहीं है और सिल्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि होल्डिंग कैपेसिटी इसका घट गया है, तो इसी के कारण हम यहाँ आए हैं देखने के लिए और यहाँ के पदाधिकारी लोगों से भी मिलेंगे। और जो इस बैराज के अच्छाई के लिए जो भी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग विचार विमर्श करेंगे। डिसिल्टेशन का कोई आप लोग कोशिश करेंगे कि होगा? देखिए, जो एक्सपर्ट हम लोग बैठेंगे दिल्ली में जा करके फिर हम बात करते हैं। इन्होंने आग्रह किया, इन्होंने रिटेन भी दिया है कि हम इसके लिए डिसिल्टिंग के लिए ताकि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। यहाँ पर डेप्थ 5 से 7 फीट हुआ करता था, आज 3 से 4 फीट मात्र डेप्थ बच गया है। तो निश्चित रूप से जब होल्डिंग कैपेसिटी घटेगा तो कम पानी में भी बाढ़ की स्थिति लोड बढ़ेगा बैराज पर, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्सपर्ट से राय लेकर। मिनिस्टर कहते हैं कि डीवीसी का बैरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी डीवीसी का है, वो बार बार लोग को निवेदन करता है करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। ये ठीक है, उनका तो आदत है बिना मतलब का हर चीज़ में राजनीति करने का। देश में ये सब चीज़ें जो है वो ह्यूमनिटी के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, हर जगह राजनीति अच्छी नहीं लगती है और इसके लिए जो बेस्ट डिसीजन लेना होगा, जो इसके लिए जो बेस्ट मेजर्स होगा हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे इस मुद्दे पर? निश्चित रूप से बात करेंगे और जो जो एक्सपर्ट टीम है उसको भी हम भेजेंगे और आकर के देख करके जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी इसके बेहतरी के लिए करना होगा हम लोग करेंगे। पहले भी एक MP टीम आया था, ये इसी आपकी तरह इसका विजिट किया था और बोला स्टैंडिंग कमेटी का, वो भी बोला था कि ये डिसिल्टेशन होगा, बहुत बड़ा था, तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है ये इफेक्टेड हो रहा है हर साल मानसून में, तो क्या आप लोग का ये देखिए हमारा इम्पोर्टेंस देकर? ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंस देकर के ही इसलिए तो आए हैं, अदरवाइज ये एक्चुअली अनऑफिशियल मेरा विजिट है, ये ऑफिशियल विजिट है नहीं। इनके आग्रह पर लखन जो भराई साहब हैं, इनके आग्रह पर मैं आया हूँ यहाँ देखने के लिए और यहाँ करके मुझे देख करके जो भी एक्सपर्ट टीम भेजेंगे और जो वो डिसीजन देंगे, वो जो सलाह देंगे उसको हम अब संसद में ये मुद्दा उठाएंगे, ये अब कमेटी में बात करेंगे, हमारे जो मंत्रालय के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे, उनको
सर डीबीसी का आइथन और पांचेत जो डैम है वो डिसिंटेशन करने का कोई इरादा है आप लोगों का? डिसिंटिंग बहुत बड़ा मुद्दा है देश के स्तर पर, ये कोई एक जगह का मामला नहीं है और इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं कि क्या कैसे किया जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट का ओपिनियन अलग अलग है तो उसमें देखते हैं जो बेस्ट डिसीजन होगा, जो बेस्ट सुझाव आएगा उसको हम लोग दुर्गापुर बैरेज जो रिलेटेड है माइथन और पांचेत जो रिजर्वर है उसके साथ रिलेटेड है वो वहाँ हाँ। वाटर डिस्चार्ज होता है तो वही वाटर यहाँ आते हैं और यहाँ से डिस्चार्ज होने से तीन चार डिस्ट्रिक्ट प्लांट इफेक्टेड होता है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जरूरी है। हम जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा, जो बेस्ट ओपिनियन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पवित्र धनतेरस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी लोग बाजारों में पहुंचे और उन्होंने सोने चांदी बहुमूल्य ग्रह रत्नों के साथ साथ अन्य घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी की। माना जाता है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी करना घर के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति की भी खरीदारी की गई। बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बाजारों में पहुंचे और उन्होंने यहां से जमकर खरीदारी की। हर साल की तरह इस धनतेरस के अवसर पर रानीगंज के बाजार ग्राहकों से भर रहे हैं और यहां पर सोने चांदी ग्रह रत्नों के साथ साथ अन्य कीमती सामानों की भी खरीदारी की गई। इसके अलावा मिट्टी के दिए, खिलौने भी खूब बिके। धन शब्दের অর্থ সম্পত্তি। ত্রয়োদশী শব্দের অর্থ হিন্দু ক্যালেন্ডারের মতে 13 তম দিন। কালীপূজো এবং দীপাবলি ঠিক দুদিন আগে এই ধনতেরস উৎসব। এই ধনতেরস উৎসব একটি বিশেষ দিন এবং গুরুত্বপূর্ণ পুরো ভারতবর্ষের সাথে সাথে পুরো পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে বিভিন্ন জেলায় সাড়ম্বরে পালিত হয় এই ধনতেরস উৎসব। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হচ্ছে এই ধনতেরস উৎসব। বিভিন্ন দামি ধাতু কেনা বেচা এই ধনতেরসের দিন ব্যবসায়ীরা করে থাকে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় করে থাকে এবং শোনা যায় এমনই কথা আমরা শুনে আসছি ধনের দেব যে কুবের আছে, কুবেরও আজ এই ধনতেরসের দিনটিতে পূজিত হন। এখন আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ে চলে এসেছি পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি শহর রানীগঞ্জে। উপস্থিত রয়েছি আমরা এখন এই মুহূর্তে সরাসরি উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জের এমজি রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, যেটি বড় বাজার নামে প্রখ্যাত, যেখানে আপনারা দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমি আমার সহযোগীকে সেই দৃশ্য সরাসরি তুলে ধরতে বলবো। আজকে রানীগঞ্জ শহরতলিতে ধনতেরস উপলক্ষে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। আজ থেকে পুরো শহরাঞ্চল, পুরো শহরের প্রতিটা বাড়ি আলোক দ্বারা সুসজ্জিত ভাবে সাজানো হয়েছে, সে দৃশ্য আপনারা দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং আপনাদেরকে জানাই ধনতেরস উৎসবে যে বিভিন্ন সামগ্রী, পূজা উপকরণের সামগ্রী, যেগুলো প্রদীপ থেকে শুরু করে বাচ্চাদের মাটির খেলনা, লক্ষ্মী গণেশের মূর্তি এবং তাছাড়া মোমবাতি এবং বিভিন্ন আলোকসজ্জার জিনিস বিভিন্ন দোকানে মানুষ কেনাবেচা করছে। আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানে হচ্ছে জুয়েলার্সের দোকান, যেখানে রূপোর টাকা এবং তাছাড়া সাথে বিভিন্ন অর্নামেন্টস মানুষেরা এসব সামগ্রী কেনাবেচা করছে। এবং আপনাদেরকে সরাসরি আমরা আরেকটা কথা পুরোপুরি অ্যাওয়ারনেস করছি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে, রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ড এবং রানীগঞ্জ থানার পুলিশ আজ সকাল থেকে এই ধনতেরস দিনটিকে সামনে রেখে পুরো বাজারে পুরো একদম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুলিশ কর্মী রয়েছে। এখন আমরা ঠিক কিছুক্ষণ আগে শুনতে পেলাম কিছু অসাধু ব্যক্তি, মানে যাকে বলা যায় মানে নর্মালি ভাষায় ছিটে মানে চিটকে ফুটকে চোর, যারা এই বাজারের মধ্যে আজকে ধনতেরসের এই দিনটিতে কিছু কিছু অসাধু কাজ তারা করেছে এবং পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে ধরপাকড় করেছে। যতটুকু আমরা এখন জানতে পারছি 6-7 জন ছিটকে চোর আজ রানীগঞ্জ থানার আন্ডারে এবং পুরোপুরি ট্রাফিক গার্ডকে মেনটেন করছেন রানীগঞ্জ থানার যিনি ট্রাফিক আইসি চিত্তাতোষ মন্ডলের নেতৃত্বে রানীগঞ্জ নেতাজি মোড় সিআর রোডের ফেসগুলিতে পুরোপুরি ট্রাফিক কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ আছে এবং এই ভিড়কেও মানে ট্রাফিক দ্বারা ভালোভাবে ইয়ে করা হচ্ছে। সরাসরি আপনারা দেখলেন রানীগঞ্জ থেকে সম্রাট দাস। কতজন আছো ভাই তোমরা? ওই
तो कुछ मतलब समय समय के अभाव में हम लोग धनतेरस को करवाते हैं, उसमें पुजारी भी फ्री मिलते हैं और हम लोग फ्री रहते हैं, और दीपावली पर आपाधापी में पूजा ठीक से नहीं हो पाती है। और हम लोग का चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बताइए, आज का दिन माता के घर में भी है, दुकान में भी है, इसलिए बहुत जना क्या करते हैं धनतेरस के दिन गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा दुकान में कर लेते हैं। अच्छा भीड़ है मिठाई दुकान में, सब में धनतेरस के दिन भीड़ अच्छा है। अभी आपकी रानीगंज के किस जगह में उपस्थित? हम बिना जगती से आए की घोट लो एक छीले हाथ लो हमारे कैसे बोलते कम दामे झाटा था तो आगे हमें दिलो ও আমার 500 টাকা নোট দিচ্ছে, আমি খুঁজেও নাই, তো বলে ভালো মালটা দিয়ে দাও 50 টাকা আমার নিয়ে এলাম, তো 500 টাকা নোট দিল, আমি ওকে আবার 500 টাকা ফেরত নিয়ে নিল, তো আমাকে 450 টাকা নিয়ে নিল। আর নিয়ে নিল মানে 500 টাকা নোট নিয়ে নিল, ধরি আমি না, ওদিকে বড় বাজারে ইনফর্মার করে ধরে সব আগে না পুলিশ আছে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती ट्रेन के नीचे जाने से पहले ड्यूटी पर तैनात एक महिला और एक पुरुष आरपीएफ कर्मी ने यात्री को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। बिहार के मधुबनी जिले के रघुपुर इटाहर गांव के रहने वाले 58 वर्षीय शैलेंद्र चौधरी इस दुर्घटना में बच गए, हालांकि उनके पैर में थोड़ी चोट आई थी। घटना के आकस्मिकता पर काबू पाने के बाद स्वाभाविक रूप से शैलेंद्र चौधरी ने ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवानों के प्रति आभार जताया और इनकी तुलना भगवान से की। आरपीएफ बर्दवान पोस्ट सूत्रों के अनुसार एलसी नीवा कुमारी और कांस्टेबल योगेश कुमार सोमवार सुबह बर्दवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मिशन जीवन रक्षा के तहत निगरानी कर रहे थे। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर डाउन गंगा सागर एक्सप्रेस आ गई। तभी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली तो अचानक एक यात्री ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। यात्री अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे चल रही ट्रेन के नीचे फिसल गया। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कर्मी नीवा कुमारी तुरंत दौड़ी और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तभी दूसरा कर्मी योगेश कुमार दौड़ कर आ गया। दोनों के प्रयास से यात्री को ट्रेन के नीचे जाने से पहले ही बचा लिया गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने रेलवे पुलिस की सराहना की। मौत के मुंह से वापस आने के बाद शैलेंद्र चौधरी ने रेलवे पुलिस को भी धन्यवाद दिया। आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि वे यात्रियों को जागरूक करने के लिए साल भर विभिन्न अभियान चलाते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय हर समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, फिर भी जागरूकता की कमी के कारण कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है। आरपीएफ जवानों की सतर्कता से आज एक यात्री की जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज शहर एनएसबी रोड अवस्थित सुसज्जित एवं मनोरम परिवेशे अतिथिदेर परिषेबार जन्नो तैरी अतिथि इन होटेल एंड रेस्टोरेंट। होटेल अतिथि इन परिषेबाय थाकछे अत्याधुनिक सुविधाजुक्त एसी रूम। अतिथि इने पकेट फ्रेंडलिते आपनि पाबेन सिंगल एंड डबल बेडरूम। फेस्टिवल सीजने थाकछे स्पेशल डिस्काउंट, ताई उत्सवे अनुष्ठानेर जेकोनो दिन पाशेई पाबेन होटेल अतिथि इन। मेट्रो प्लाजा एनएसबी रोड रानीगंज मथुट फाइनेंस बिल्डिंग। जोगाजोग करुन ए नंबरे 7872933666 एवं 9434133666।